सब मिलेगा zoomtv.in। शकीरा के बाद अब तैयार हो जाइए बॉलीवुड की एक सेक्सी बेली डांसर को देखने के लिए। जल्द ही नजर आएंगी कटरीना एक नेवर सीन बिफोर बेली डांसर के अवतार में 30 मार खान के लिए। आज हम कर रहे हैं कटरीना के इसी सेक्सी अवतार का पोस्टमार्टम। कटरीना को आपने अप्सरा की तरह देखा, कटरीना ने भीगी हुई साड़ी में भी आकर सबकी नींद खराब की। जन्नत है मेरी इतनी सी हसरत है गले लग जाना जा। लेकिन कटरीना के रूप को लेकर एक चाहत अब भी बाकी है। कटरीना को लेकर सबकी इस चाहत के बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर पहले जरा कटरीना को लेकर फराह खान का ये ऐलान तो सुन लीजिए। You'll really see her in a new, very, very glamorous avatar. तो किस नए अवतार में आने वाली है कटरीना? कहीं अपनी फिल्म 30 मार खां के लिए बिकिनी विकिनी सॉन्ग की तैयारी में तो नहीं है फराह खान, जिसमें क्लियरली नजर आएगा कटरीना का वेरी वेरी ग्लैमरस अवतार? क्योंकि बस यही एक अवतार तो बचा है जो कटरीना अपनाने से बचती रही है, लेकिन इन सब अंदाजों से आगे निकल गई है फराह खान। तभी ये गाना उसका जो मेन आइटम सॉन्ग करने वाली हूँ मैं, उसके लिए एक बेली डांसर टीचर रखने वाली हूँ एंड शी इज एक्चुअली गोइंग टू लर्न बेली डांसिंग for the song, so you'll really see her in a new, very very glamorous avatar. आखिरकार फराह खान ने खोल ही दिया राज कटरीना के इस ग्लैमरस अवतार का। कटरीना बेली डांस करेंगी, वो भी अक्षय कुमार स्टारर 30 मार खां में, और कटरीना का बेली डांस होगा फराह खान की इस फिल्म का मेन आइटम नंबर। Definitely, I think कटरीना बहुत ही, I've had a very good experience working with her. बहुत हार्ड वर्किंग है उसको, बहुत सारी चीजें करनी है। तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है गले लग जाना जा। यानी पहले भीगी साड़ी में कटरीना ने सिजल किया, मन है उलझे उलझे से मन है बढ़ती जाती है तन की प्यार। के बाद वो बन गई एक सेक्सी अप्सरा की तरह, जिस पर अक्षय कुमार पैसों की बारिश करते नजर आए। तू पैसे की जो तू हो जाए मेरे। Boy, I'm one of a kind, you see. Not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. और अब 30 मार खां में फराह खान लेकर आ रही है कटरीना का ऐसा बेहद ग्लैमरस बेली डांस, जिसे ऑडियंस तो क्या खुद सलमान खान भी देखते ही रह जाएंगे। आरती दानी, जूम, मुंबई।